उसका दूध मैं पीता बुद्ध पुरुष किस मिट्टी में पैदा हुए बताइए। नारायण स्वामी जन्मते गुजरात में, इलाइटेड होने के लिए बुकीनाथ आना पड़ता। शिवपुरी बाबा जन्मे केरला में, ध्यान करने के लिए आना पड़ा। इंडिया और नेपाल राजनीतिक दृष्टिकोण से दो है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ही है। दो देश खाना ही है आध्यात्मिक, राजनीतिक लोग कहें हम नहीं कर। उसी का दूध मैं पीता हूँ। मुझे अपना इंजीनियर बनाया था तो मैं उनका कंस्ट्रक्शन देखता था। उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई गंगा जी में कि ऋषि जब वो सन्यासी बन के घूमते थे तो जब सन्यास लिया तो सब छोड़ देना पड़ा, तो मांग के खाना पड़ता था। तो अच्छे घर के आदमी थे तो मांगने में उनको शर्म लगती थी, और मांगने में फिर ठीक से मिलता भी नहीं था जो खाना है। और लाज कभी कभी तो तीन तीन दिन भूखे रह जाते थे, मांगने में दिक्कत होती थी। तो बोले कि बहुत कभी भूखा रह जाता था, कभी सूखी खाली रोटी मिल जाए। एक दिन ऋषिकेश में बोले और त्रि उसमें ऋषिकेश कौन सा घाट है वो नहीं नहीं ऋषिकेश में जहाँ आरती होती है ना, नहीं परमार्थ इधर एक जगह और आरती त्रिवेणी घाट। बोले त्रिवेणी घाट में बैठा था और रो रहा था, दो दिन से खाया नहीं था, रो रहा था और गंगा जी को कह रहा था कि माँ ये क्या हालत है, ऐसे मांग के खाने में भी
दिक्कत होती है और खाना नहीं मिलता है। तो बोले रात में गंगा जी से एक हाथ निकली, स्त्री की हाथ, उसमें स्वामी रामा ने पहले वो आपको किताब थी उसमें घटना लिखा है उसको पढ़िए। बोले हाथ निकली और आवाज़ आई कि बेटा ये कमंडल, उसमें हाथ पे कमंडल था, ये कमंडल ले ले और जब जो जरूरत होगी खाने की इच्छा करना, हाथ डालना उसमें आ जाएगा। तो बोले वो कमंडल से मैं जो खाने की, खीर खाने की तो खीर आ जाए, पूरी खाने की इच्छा पूरी आ जाए, है ना, डोसा खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा आ जाए। बोले एक साल तक मैं ऐसे ही खाया उससे और किसी से मांगना नहीं पड़ा, पूरा ऐसे ही खाता था और ध्यान करके जो जो भाव करके डाले वो आ जाएगा। तो उनके गुरु आए, एक बंगाली गुरु थे स्वामी धर्मा के, वो आए हंसे, उन्होंने कहा कि माँ ने तुम्हें बच्चे की तरह प्यार किया है, एक साल हो गया, इस सन्यासी को असुरक्षा में दिलाई जाए। सिटी में गए, कस्टम वालों ने कहा कि ये नहीं जाए, यहाँ पानी कम है, आप अपना ज़्यादा अच्छा। मैं अकेला था, कोई साथ में भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हमने गंगा जल दे दिया। रिक्वेस्ट भी की, मुझे इंग्लिश आती नहीं तो फुट फुट करके वो समझाने की कोशिश करी कि हमारे पवित्र गंगा है, मैं वही पीता हूँ, इसी से खाना पीता हूँ। तो सुना नहीं, मैंने कहा थोड़ा पी लेने दे, तो दो तीन बाउल मैंने पी लिया, फिर कभी ये छोड़ेगा, शंकर की जटा से तो छुट्टी थी, तीन दिन के बाद उसने छोड़ा, तीन दिन के बाद उसका फोन आया, इसके समान कोई पेय जल नहीं, लेबोरेटरी ने प्रमाण किया और आप आकर देंगे। नेपाल इंडिया ये नहीं कर सकते, इतने संत हुए इंडिया में, सब नेपाल में आके तपस्या किए, है शिवपुरी बाबा, कलेश्वर बाबा, खप्तर बाबा, नाम ही नहीं गिन सकते, ये उठा ले आपको। तो जिस देश में लोग मरने के लिए जाएं दूसरी, उसको आप दो देश कैसे कहते हैं, दो देश है ही नहीं। जो बात आप स्वामी जी कह रहे हो ना, कोई बात इनके पिताजी, पूज्य पिताजी कहते थे, उनसे जो पैसे मांगने आता था उधार के, तो उसे ही कहते थे कि यहाँ लोग मरने आते हैं, तू पैसे मांगने आए। कहाँ रहते थे ये, कहाँ बनारस में, बनारस में। राम जी के
नीचे मीरा का फोटो में कौन है आप? वो यहाँ है देखिए, उसके साथ बैठ आया है और यहाँ ठहरा भी है। यदि भक्त नहीं रहती है जो छाया है, ये भक्त नहीं है ना, भक्त नहीं है एकदम, कोई आया है इसके शरीर में ठहरा भी है। घर की दहलीज पे ठीक कर रहे हैं, घर की दहलीज पे उजाला है, बहुत एनर्जी है, आश्रम जैसा ही लगता है। प्रेम आशीष अनि कुरा पनि हुन्छन् क्या नाम छ भर्खर केटाकेटी हुन् पढ्नु स्वामीले धेरै सम्झना सुनाइदिनु होला, सपनामा देखिरहनु मेरो धेरै आशीर्वाद भनिदिनुहोस् है, धेरै आशीर्वाद।